हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द व्लॉगर पे। हमारा आज का डेस्टिनेशन है प्रिंसेप घाट पर, तो साथ में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो चलिए आज जानते हैं प्रिंसेप घाट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी बीच हम लोग हावड़ा ब्रिज तक पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग प्रिंसेप घाट पहुँचने वाले हैं, साथ में बने रहें। प्रिंसेप घाट 1841 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में हुगली नदी के कोलकाता तट पर बनाया गया एक घाट है। एंग्लो इंडियन विद्वान और पुरातन पंथी जेम्स प्रिंसेप की स्मृति में पालाडियन पोर्च के डब्लू फिटरगिल्ड द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1843 में किया गया था। प्रिंसेप घाट कोलकाता के सबसे पुराने मनोरंजक स्थानों में से एक है। लोग यहाँ शाम को नदी पर नौका विहार करने आते हैं और नदी के किनारे घूमने और यहाँ के स्टॉलों के भोजन प्राप्त करने हेतु आते हैं। ये कपल्स लोगों के लिए ऑफबीट जगह है। प्रिंसेप घाट से बाबू घाट तक सुंदर नदी तट के 2 किलोमीटर का भाग उद्घाटन 24 मई 2012 को किया गया। इसमें रोशनदान, सुंदर उद्यान, मार्ग, फवारे और पुनः निर्मित घाट। बॉलीवुड फिल्म परिणीता का एक गाना यहाँ फिल्माया गया था। जेम्स प्रिंसेप के नाम से ही रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। यह स्टेशन कोलकाता सर्कुलर रेलवे का हिस्सा है जिसका मुख्यालय ईस्टर्न रेलवे है। घाट के पास में एक जेटी है जिसे मैन ओ वार जेटी के नाम से जाना जाता है, जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित है और द्वितीय विश्व युद्ध में पोर्ट द्वारा निभाई गई भूमिका की याददाश्त है। जेटी का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। प्रिंसेप घाट के पीछे जो आप लोग ब्रिज देख रहे हैं उसे विद्यासागर सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, जिसको सेकेंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पेशकश, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। और आज का सफर मैं यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें दीप द ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम।